दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से और हम लोग शादी के लिए हो गए हैं तैयार और सभी लोग हो गए हैं तैयार। तो देर होने लगी है क्योंकि गांव में सब लोगों का फोन आ गया कि हम लोग तो चले गए, तुम लोग कब आओगे? तो हम लोग भी फटाफट से जाने लगे हैं क्योंकि जहाँ मेरे दोस्त की शादी है ना, वो यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है, मतलब दूरी है, तो फटाफट से जाते हैं। चाची भाभी लोग तो आगे को चले गए हैं, तो यहाँ पे चाची और आमा भी रुके थे। आमा तो आराम आराम से जाने लग गए हैं और चाची भी, बड़ी मम्मी थोड़ा आगे चले गए हैं। हम समझे ना, पिंक पहना है। देखो, हमने किसी को बताया नहीं था एक दूसरे के हम पिंक पहनेंगे। देखो, मैंने भी पिंक साड़ी पहनी है और पूजा ने भी पिंक कलर की कुर्ती पहनी है और चाची ने भी पिंक साड़ी पहनी है। सब पिंक ही बन के जा रहे हैं आज हम। तो हम लोग अभी थोड़ी देर रुके थे फोटो शूट करने के लिए और आमा भी हमारे साथ रुके थे, तो आमा को थोड़ा चलने में टाइम लग जाता है, तो आमा थोड़ा आराम आराम से जाएंगे और हम लोग फटाफट से जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव से थोड़ा इधर को, वो वहां से उधर को है शादी और हम लोग अभी शादी में जा रहे हैं। वहां देखो यार, अभी भी खेत का काम कर रहे हैं। नो उम्र बरात में पता लाला आया पाया ठीक छो। तो अभी उनका ना थोड़ा बहुत खेत का काम बचा है बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो भी आएंगे बाद में शादी देखने के लिए। और हम लोग तो जल्दी चले गए क्योंकि हमें पहले दुल्हन को भी देखना है ना, और दुल्हन से भी मिलना है, फिर खाना पीना भी खाना है, उसके बाद शादी देखेंगे। हम लोग सोनू भाई के घर पे पहुंचे। सेवा टहल क्या कर रहा है भाई? पानी भात दाल द्वार पे आ दो आदो आदो पी दो पानी। कदल में बरियाद में हेड में है तो कब आई? कब चले? कल आई और कल मैं पहुंच चुकी हूँ दुल्हन के रूम पे और दुल्हन अभी अच्छे से तैयार नहीं हुई है, गुस्सा भी हो रही है थोड़ा बहुत, जल्दी आई है करके, और इनको छोटी सी बहन तैयार कर रही है। कल तो बहुत अच्छा तैयार किया था, आज अब पता चलेगा फाइनल लुक कैसा बनता है। बहन शर्मा की रही है, इतना मत शर्मा। वाले रूम पे दुल्हन तैयार हो रही है और नीचे पे बन रहा है खाना और वहाँ पे डोली तैयार की है। मुन्नू रून क्या मरही मैं, ये ना बहुत जल्दी रोने लग जाती है यार, पता है? भूख से रो रही है या डोली देख के रो रही है? अपने दिन याद आ रहे हैं, अपने दिन याद आ रहे हैं। चल फिर चल, खा लेते हैं एक बार फटाफट। तीन के बार बन रही उन्होंने, ले तुले साइड वालों के लिए खाना यहाँ पे बन रहा है और हम लोगों के लिए उस साइड बन रहा है, वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे मंडप की तैयारी कर रही है अभी, चलो मतलब अच्छा थोड़ा बहुत तैयार कर दिया अभी। और हम लोग खाने के लिए बैठ गए, सोनू वहां से बिल्कुल हाथ हिला रहा है लेकिन वीडियो बनाने को तैयार नहीं हो रहा है लड़का। तो हमारा खाना भी आ गया, खाने में बना है रायता सब्जी चटनी। कदर खाइए आप, मैं दाल रुक रही हूं। मोनू देखो यार, खाने का नाम नहीं ले रही है, जब तक मांस की दाल नहीं आएगी मैं तब तक खाऊंगी नहीं बोल रही है। और सब लोग खाने लग गए, बस मोनू और मैं इंतजार कर रहे हैं मांस की दाल। मांस की दाल आई नहीं है, अभी खाने लग गया आप। अरे यार सब देख रहे हैं मेरे को, खा लेते शुरू कर देते हैं। खाना पीना खा के हम लोग आ गए और यहाँ ना एक चीज बहुत बढ़िया भी कह सकते हो, बेकार सा भी है। बेकार सा क्या है ना, धूप हो कुछ भी हो भाई उठना नहीं है जब तक सारे जितने भी हम लोग गोल करके बैठे थे आप लोगों ने देखा होगा ना, और पंडित जी सबको खाना दे रहे थे। तो यहाँ क्या होता है, जब तक सब लोग खाना खाते हैं ना उसके बाद ही उठा जाता है, अगर किसी ने पहले भी खा दिया तो उठ नहीं सकते, ये नियम है हमारे पहाड़ों का। मतलब ससुराल में तो मैंने ऐसा कम देखा क्योंकि मैंने पंडित जी वाले में कम बैठे, तो मेरे मायके में ऐसा ही होता है, बच्चे हों या कोई भी हो सबने साथ ही बैठना पड़ता है। तो खाना पीना खा के हम लोग अभी यहाँ पे आए, तो दुल्हन का भी मेकअप चल रहा है, फिर जब अच्छे से पूरे से तैयार हो जाएंगे ना उसके बाद आप लोग को दुल्हन से मिलाते हैं। मैडम चमक रही हो आप। तो यहाँ पे बन रहा था खाना और हम लोगों ने खा लिया था, अब सब लोग कम हो गए ना लोग, तो वहाँ पे तीन लोग खा रहे हैं अभी और थोड़े बहुत खड़े हैं वहाँ पे। और अरे बू खाए हमले, तो अभी जब तक भीड़ थी ना सभी लोग थे, तो यहाँ से लेकर ऐसे बैठे थे सब लोग, अभी कोई है ही नहीं, तीन ही लोग बैठे हैं। तो
वो वहीं पे बैठे हैं। अब तीनों को साथ ही उठना पड़ेगा। तो अभी तो दुल्हन तैयारी हो रही है और मोनू और मैं अभी गांव की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ ना भीड़ भड़ाका भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं आके, और मोनू को देखो कितनी खुश हो रही है फोटो शूट करने के लिए। बस बस कहाँ जाए, देखो यार यहाँ जाते हैं बोल रही खेत में फोटो शूट करने के लिए, तो यहीं जाते हैं एक बार फटाफट से। फिर जब शादी आएगी या दुल्हन तैयार हो जाएगी उसके बाद जाते हैं उनके घर। छप्पा तगड़ा पहन लो है, अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए आए थे, तो भाभी और नवी भी आ गए हैं। अभी देखना नवी की एक्टिंग कैसी एक्टिंग कर देगी यहाँ पे आके। भाभी हीरोइन लग रहे हो, भाभी पटोला लग रहे हो सही में। नहीं नहीं जय कर दे नवी, दे इधर बाबू, जय कर दे, जय कर दे, चल जय कर दे। जीत तेरे, कितना बड़ा, कितना बड़ा बता, कितना बड़ा, हप्पा कर दे, हप्पा कर दे, हप्पा भी कर दे, हप्पा कर दे ना, हप्पा। तो हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं और ये लोग अभी शादी देखने जा रहे हैं। बिल्कुल टमाटम हो गया रिहा, इधर लेट, इधर लेट क्या है हमें, नहीं वही घर बहुत अच्छा भैया शाह आ रहे हो दना दन दन मुर मुर क्या यूं घर बात हो ये एल टू लेट खाने ना खा रहे हो भाई, खाने खा बंद ही आई भूख लग गया दोबारा यहां या भेजा बंद खुशा बजायो को लग गयो को बाना बर साइड वाला का खला वो ना दगड़ा खाने वाला वही। ठीक छ ठीक थे, बाय 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 बाय। तो फोटो शूट भी हम लोगों ने कर लिया और थोड़े बहुत शॉर्ट रील भी बना दिए हैं। मम्मी भाभी पूजा सब लोग यहीं आए थे। तो हम लोग अभी दुल्हन के घर नहीं जा रहे, जहाँ पे से शादी आ रही है ना वहीं पे जा रहे हैं सीधे, और दुल्हन भी शायद तैयार हो गई होगी। तो अब हम लोग सोच रहे हैं दुल्हन को आप लोगों को बाद में ही दिखाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पे जहाँ पे बड़ा सा थोड़ा फील्ड है ना, तो इसी रास्ते आती है शादी ज़्यादातर, तो हम लोग पहले से बैठ जाते हैं क्योंकि बाद में जगह नहीं मिलेगी और फिर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊंगी, तो इसलिए सबसे पहले चले जाते हैं बैठने के लिए अच्छी जगह, फिर दिखाएंगे आप लोगों को शादी। हेलो गाइस आई लव यू, ऐसा मजाक। तो शादी इस वाले रास्ते से आने वाली है, तो वहाँ पे ठंडा और मिठाई बांटेंगे वो लोग शादी वालों को, और शादी यहीं से आएगी सीधे इस वाले फील्ड पे थोड़ी देर। और हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे, ये ना नवी रानी हमारी बड़ी मुश्किल से मोनू के साथ बैठी थी, फिर चले गई। ये देखो क्या देखेंगे हम, देख फिर नहीं यार नची नची भाई मैं मर लो आए धोनी। तो अभी सब लोग आ गए हैं यहाँ पे शादी देखने के लिए, मोनू और पूजा ये सब लोग आ गए हैं शादी देखने के लिए। हमारी दुल्हन हल्का फुल्का तैयार हो गई है, अभी दुपट्टा नहीं पहना है। मैडम इतने जा मस्त लग रही, बड़ा बड़ा तो हमारी दुल्हन का फाइनल लुक देखो यार, मस्त लग रही है, बहुत प्यारी क्यूट सी दुल्हन।
तो दुल्हन तैयार हो गई है और दुल्हन की बहनें हैं या दोस्त जो भी हैं सब अभी फोटो शूट कर रहे हैं उसके साथ। बहन ऐसी स्टाइल कौन करता है, रोना रहा है। तो अभी जयमाला होने वाली है तो सब लोग जयमाला का इंतजार कर रहे हैं। 50,000 की शादी है हमारी और 50,000 में एक लहंगा आ रहा है, तो क्या बात करनी है। 50,000 में पर्याप्त नहीं पूरी शादी में छोटी सी गुड़िया एंजॉय कर रही है। Thank you.